हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम इन टुडेज क्लास एट योर ऑफिशियल चैनल दैट इज बायोलॉजी एट योर फिंगर्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स. बेटा मैं लास्ट दो वीडियोज से कह रहा हूँ कि मैं जंप मारूंगा मेंडल्स के पास, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है. सो टुडे विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट जनरल टर्मिनोलॉजी. जो जनरल टर्मिनोलॉजी वी हैव हियर मेंशन जीन. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ट्रेट्स. तो ट्रेट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेट और करेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग. तो वहाँ पे लिखा भी एनी डिटेक्टेबल फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म. एनी डिटेक्टेबल फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी मतलब बाहर से देखने में जो भी आपको दिख रहा है. जैसे अगर मैं दिख रहा हूँ हमारी हाइट मान के चलते हैं लगभग 5 फीट 11 इंच के आसपास है, तो ये हमारी जो हाइट दिख रही है कि हम बहुत लंबे दिख रहे हैं दैट इज़ फिनोटाइप. ठीक है, या हम दिख रहे हैं बहुत दुबले पतले आपको दिख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फिनोटाइप. तो कोई भी करेक्टर जो आपको बाहर से दिखता है दैट विल बी कंसिडर एज ट्रेट. तो वही यहाँ पे हमने क्या लिखा, एनी डिटेक्टेबल फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेकेंड क्रॉस. आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, क्रॉस मीन्स दैट मैटिंग. मैटिंग मीन्स दैट मैटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल लीडिंग टू फ्यूजन ऑफ गैमिट. मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल ये फीमेल था, एक इंडिविजुअल ये मेल था, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मैटिंग हुआ. ठीक है, उस मैटिंग के बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा. ठीक है, नेक्स्ट ईयर जीन. जीन एज यू नो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हेरिडिटी की. और वी कैन ऑल्सो टर्म दैट जीन इज अ पीस और सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन कुछ नहीं, एक डीएनए जो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, उसका एक छोटा सा टुकड़ा होती है या सेगमेंट होता है जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं. एंड द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाई द साइंटिस्ट जोहानसन. एंड अर्लियर मेंडल्स यूज द टर्म फैक्टर इंस्टेड ऑफ जीन. यानी मेंडल ने जीन शब्द का उपयोग नहीं किया, उन्होंने जीन को फैक्टर कहा. बाद में जोहानसन ने क्या किया, जो टर्म था जीन उसको कॉइन किया. हमने लिखा भी है फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेगमेंट ऑफ डीएनए. टर्म जीन वॉज जस्ट गिवेन और कॉइंड बाई जोहानसन एंड इट वॉज कॉल्ड बाई फैक्टर, सॉरी इट वॉज कॉल्ड फैक्टर बाई मेंडल. अगला देख लेते हैं बेटा लोकस. लोकस क्या होता है, द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर फाउंड. कहने का मतलब यहाँ से देखिए, ये आपके कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम थे. ठीक है, दिस वॉज होमोलॉगस क्रोमोसोम. और यहाँ पे अगर जीन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीन मिल रहा है तो ये इसका क्या हो गया, लोकस. यानी जहाँ पे जीन के पाए जाने की संभावना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं. ठीक है, एलील. एलील क्या होता है बेटा, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. यानी एक पर्टिकुलर जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट. हाइट ऑफ द प्लांट आपने पढ़ा भी है क्लास 10th में, हाइट ऑफ द प्लांट कंट्रोल्ड बाय आपने देखा भी होगा टू एलील्स, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस. तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन के. हाइट है किसी भी प्लांट या स्टेम की, उसको कंट्रोल कर रहे हैं. कैसे, ये दो तरह के हो सकते हैं बेटा. यहाँ से देखिए, जो एलील हैं ये क्या हो सकते हैं, डोमिनेंट, ये डोमिनेंट और होमोजाइगस भी हो सकते हैं और ये रिसेसिव भी हो सकते हैं. कैसे, यहाँ से देखिए, डोमिनेंट है तो कैपिटल टी और अगर रिसेसिव है तो स्मॉल टी. अब यहाँ से देखिए, दिस स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ प्लांट. यानी ये अगर दोनों जीन है, सॉरी ये एलील्स अगर दोनों हैं, ठीक है, तो वो प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा. तो ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं किसके, जीन के, तो इनको हम क्या कहेंगे, एलील. यहाँ पे भी ये क्या है बेटा, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं. ये भी क्या है, एलील है. तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. आगे बढ़ते हैं बेटा, होमोजाइगस मीन्स दैट टू आइडेंटिकल
एलील्स। अगर दो एलील्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह के हैं, तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। ये देखिए यहाँ से होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगोट या होमोजाइगस, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं बेटा, और ये होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकते हैं। होमोजाइगस रिसेसिव मैंने ऊपर बताया भी है, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो क्या होगा कैपिटल टी और रिसेसिव है तो स्मॉल टी होमो क्यों लगा हुआ, होमो मतलब समान, सेम, ठीक है। यहाँ से देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स है ना, तो यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी, दोनों एक ही तरह के हैं बेटा, इस वजह से ये होमोजाइगस है। यहाँ पे भी एक ही तरह के, ये होमोजाइगस हैं, लेकिन जो टॉलनेस वाला करेक्टर है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, डॉफनेस के ऊपर, इस वजह से इसको हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और इसको हम क्या कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मान के चलते हैं ये टॉल था, ये डॉर्फ था, ठीक है, ये बहुत ही दबंग टाइप था, ये बहुत ही निर्बल था, तो ये क्या करेगा, आपको पता है कि इंडिया में दबंग लोग जो होते हैं वो गरीबों को, दबे कुचलों को जीने नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये दबंगई कर रहा है और इसके करैक्टर को दबा दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक ये दबंग वाला अपना करैक्टर दिखा पाएगा, दूसरा जिसका करैक्टर दब गया वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो सेम वही कंडीशन है। अब बात आगे बढ़ते हैं हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस मीन्स दैट डिफरेंट, डिफरेंट कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक आपका कैपिटल टी हो दूसरा स्मॉल टी हो, प्लांट तो कैसा होगा, टॉल होगा, बट कैसा, हाइब्रिड, क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, तो आप कहेंगे सर अगर दोनों हैं तो फिर प्लांट क्यों डोमिनेंट है, हाइट उसकी बड़ी क्यों है, ठीक है, तो होता क्या है कि बेटा अगर कैपिटल टी कहीं पे भी है तो जैसा हमने बताया कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, दैट्स वाई द हाइट ऑफ द प्लांट विल बी टॉल, यानी जहाँ पे भी कैपिटल अल्फावेट रहेगा वो क्या करेगा स्मॉल अल्फावेट को डोमिनेट करेगा, तो कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको आप कहोगे कि डोमिनेंट है। इसको हमने हाइब्रिड क्यों बोला, इसके साथ स्मॉल टी है ना और इसके साथ कैपिटल टी है, यानी दो तरह के यहाँ पे एलील्स आपको दिख रहे हैं, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इस वजह से ये क्या है हाइब्रिड है बेटा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे हमने लिखा भी है हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स ऑफ मैटिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स, दो अलग अलग जो जेनेटिक कंपोजिशन के पेरेंट्स हैं उनका फ्यूजन हो जाए, जैसे देखिए एक के पास कैपिटल टी था दूसरे के पास स्मॉल टी था, इनके बीच में जब फ्यूजन हो गया तो क्या बने, ये हाइब्रिड बने, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो अलग अलग जेनेटिक कंपोजिशन के लोग आपस में आकर मिले तो इन्होंने क्या बनाया, हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया। फटाफट कुछ और टर्म्स देख लेते हैं बेटा, ये नेक्स्ट है आपका पी जनरेशन, पी जनरेशन को हम कहते हैं बेटा पेरेंट जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन क्रॉस, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है या क्रॉसिंग हो सकती है, तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन क्रॉस, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है क्रॉस में इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैपिटल टी था यहाँ पे स्मॉल टी था, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है क्रॉस, उसके पहले गैमिट्स बनेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, तो इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होगा तो इसे आप क्या कहोगे पैरेंट जनरेशन, क्या पैरेंट जनरेशन, क्यों पैरेंट जनरेशन है बेटा, क्योंकि सीधी सी बात है ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो रहे हैं क्रॉसिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन क्या होती है, इसे हम कहते हैं फिलियल वन जनरेशन को हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में F1 जनरेशन। इसका मतलब क्या होता है F1 जनरेशन का, हम कह सकते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल
इसका मतलब फिलियल वॉल जनरेशन का मतलब क्या हुआ, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। ये कैपिटल टी एलील्स थे, स्मॉल डी थे, ये क्या था डॉर्फ, ये क्या था बेटा टॉल, इनके बीच में गैमिट्स बने, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या बना स्मॉल टी, ये क्या है गैमिट्स हैं। ये कौन सी जनरेशन है, पी जनरेशन। और पी जनरेशन के बाद जब इनके बीच में फ्यूज़न हो जाएगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे इनके बीच में जब क्रॉसिंग किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो इनके जो संभावित रेशियो बनेंगे जेनोटाइप के और फिनोटाइप के वो क्या होंगे F1 जनरेशन में आएंगे। और फिर यहाँ का जो रेशियो आ रहा है इसी को उठा के अगर हम किसी ऊपर वाले से क्रॉस करा दें इससे या इससे तो वो बनेगा हमारा F2 जनरेशन। तो ये तो था आपका फिलियल वन जनरेशन। फिलियल वन जनरेशन कब बनती है, जब दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल क्या करते हैं फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो F1 जनरेशन का होता है। अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की, ठीक है। F2 जनरेशन इसमें हो जाएगा फिलियल टू जनरेशन, फिलियल टू जनरेशन, फिलियल टू जनरेशन ऑप्टेन फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ एफ वन। ओके बेटा, तो ये फिलियल टू जनरेशन का मतलब क्या हुआ, फिलियल टू जनरेशन ऑप्टेन फ्रॉम द ब्रीडिंग ऑफ एफ वन जनरेशन। F1 जनरेशन की ब्रीडिंग कंप्लीट हुई, आपको जो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो हुआ मिला, उसके बाद उनको हम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउड कर दें, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो हमको आगे वाले जनरेशन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे F2 जनरेशन कहेंगे। यानी F1 जनरेशन मिल रही थी क्या दो अलग अलग इंडिविजुअल के फ्यूजन से, F2 जनरेशन मिल रही है जो F1 में मिला है उसके फ्यूजन से। ध्यान से समझिए, F1 कब मिलेगी, जब मान के चलते हैं ये इंडिविजुअल नंबर वन था, इंडिविजुअल नंबर टू था, इसका फ्यूजन हुआ तो जो रिजल्ट बने ये भाई साहब ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन में मान के चलते हैं हमारे पास तीन रिजल्ट्स थे, अब इनके बीच में जब फ्यूजन होगा इनके बीच का जो हाइब्रिड होगा वो कहाँ आएगा F2 जनरेशन में बेटा। अब हम बात करेंगे प्योर ब्रीड, क्या बात करेंगे प्योर ब्रीड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मैटिंग ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यानी प्योर ब्रीड क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर है और उसके बीच में क्रॉस कराया गया तो जो ब्रीड बनेगी वो क्या है प्योर ब्रीड होती है, ठीक है। ओके बेटा, तो अभी तक हमने जनरल टर्मिनोलॉजी देखी बेटा, हमने बहुत से टर्म्स बता दिए, ये पॉसिबल भी है कि कुछ छूट भी गए हों तो वो आप अपने लेवल से देख लीजिएगा, अगर कुछ कन्फ्यूजिंग होगा तो आप हमें बताएंगे, लेटर ऑन वी विल एक्सप्लेन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब यहाँ से हम बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स को देखेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेंडल की, ठीक है। तो मेंडल का बेटा पूरा नाम क्या था, ये क्या थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। बॉर्न इन ऑस्ट्रिया है बेटा, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मेंडल बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, कब 1822 में इनकी पैदाइश हुई थी, डेथ कितनी थी इनकी 1884, ठीक है। ये तो जनरल सा इंट्रोडक्शन है, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। एग्रीकल्चर से इनका बहुत लगाव था, खेती बाड़ी में अपने माता पिता की हेल्प करते थे, तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इनकी पूछी नहीं जाती है आपके एग्ज़ाम में, यही पूछा जाता है इनका बर्थ प्लेस क्या था, बर्थ ईयर क्या था, डेथ ईयर क्या था। अब बात करेंगे इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यू ऑल अवेयर अबाउट दैट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाइसम
सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जिसे आप क्या कहते हो, गार्डन पी, ठीक है। पाइसम सेटाइवम वॉज द एक्सपेरिमेंट मटेरियल ऑफ मेंडल। इन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट किया, 6 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट, 6 ईयर्स एक्सपेरिमेंट, 6 ईयर एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। इन्होंने कितने ईयर का एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे बेटा, लगातार 6 सालों तक इन्होंने वर्क किया किस पे, पी प्लांट पे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 16 ईयर्स आफ्टर मेंडल्स डेथ थ्री साइंटिस्ट वर्क ऑन मेंडल एक्सपेरिमेंट। यानी जब तक मेंडल जिंदा थे तब तक क्या था, इनके काम की कोई वैल्यू नहीं थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जो इनके वर्क को इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया। तो हिज वर्क हमने क्या लिखा, 16 ईयर्स आफ्टर मेंडल्स डेथ 3 साइंटिस्ट वर्क ऑन मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड रीडिस्कवर द कॉन्सेप्ट। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एक थे आपके ह्यूगो डिवारिस, जिनका काफ़ी रोल है बेटा म्यूटेशन में, आपने पढ़ा भी होगा। तो इन्होंने एक्चुअली रिलेटेड है किससे, म्यूटेशन से रिलेटेड है। बट इन्होंने जो मेंडल के वर्क पे फिर से शोध किया गया था उसमें भी एक इनकी बड़ी अच्छी भूमिका थी। 2 साइंटिस्ट और थे, उनके भी नाम देख लेते हैं, होगो डिवारिस, दूसरे थे बेटा कोरेंस, और तीसरे थे सरमाक। 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवारिस, कोरेंस एंड सरमाक, 3 साइंटिस्ट। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे, ह्यूगो डिवारिस, कोरेंस एंड शेरमाक। इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को क्या किया, रीडिस्कवर किया, ठीक है बेटा। व्हाई मेंडल्स वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी नॉर्मल से ये बात पूछ सकता है कि जब तक मेंडल जिंदा थे तब तक इनके वर्क को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। रीजन वॉज दैट मेंडल क्या थे, मेंडल वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट। ये बेटा मैथमेटिशियन थे, तो जो भी बायोलॉजिस्ट थे, जो भी बायो से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे साइंटिस्ट, वो सोच रहे थे कि मेंडल एक मैथमेटिशियन है तो कैसे ये एक बायोलॉजी पे कैसे एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेंडल क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट ना होके मैथमेटिशियन थे, इस वजह से लोगों का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था, मेंडल वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली। जो मेंडल का वर्क था बेटा वो पब्लिश नहीं हो पाया, ना तो वो लोकल जर्नल में पब्लिश हुआ, ना वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। कहने का मतलब, जब कभी भी कोई भी शोध किया जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो 2 लेवल पे, यानी लोकल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स में उनका पब्लिकेशन होता है, फिर वो पूरे विश्व के सामने आता है, ठीक है। तो वो चूंकि पहले ये व्यवस्था बहुत ही कम थी, पहले क्या थे, पब्लिशर्स भी बहुत कम थे, इस वजह से इनका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हो पाया। इन्होंने यूज किया था टर्म इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्या यूज किया था इन्होंने टर्म इनहेरिटेड ट्रेट्स, इस वजह से भी, या हम कह सकते हैं फैक्टर। तो इनके जो फैक्टर थे या इनहेरिटेड ट्रेट कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से भी लोगों का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल सफल क्यों हुए। पहला इन्होंने क्या किया, सेलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स,
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल के सक्सेस के सबसे बड़ा कारण क्या था? इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया, लगभग कितने? 7। हम बाद में देखेंगे मेंडल हैव सेलेक्टेड नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कितने लिए इन्होंने? 7 कैरेक्टर लिए। इस वजह से इनका एक सक्सेस का कारण ये भी था, इनका जो सैंपल साइज था लार्ज था, लार्ज सैंपल साइज, इन्होंने बहुत व्यापक तौर पे, बहुत व्यापक पैमाने पे सैंपलिंग की। तीसरा, आपको पता ही है, बिकॉज ही वॉज मैथमेटिशियन हैंस हिज डेटा वॉज एक्यूरेट, तो इन्होंने क्या किया? एक्यूरेट डेटा एनालिसिस, एक्यूरेट डेटा एनालिसिस किया और बिल्कुल एक्यूरेसी से इन्होंने एक एक चीज़ें बताई। तो ये 3 बेसिक रीजन थे। नो यूज़ ऑफ लिंकेज, इन्होंने लिंकेज का यूज़ नहीं किया। लिंकेज में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिंक होते हैं, ठीक है, वो एक जीन से दूसरे जीन के माध्यम से चले जाते हैं। तो चूंकि उस समय इसका ज्ञान नहीं था इनको, इस वजह से इसका यूज़ नहीं किया, जो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो ये 3-4 रीज़न थे किसके? मेंडल के सक्सेस के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई मेंडल्स हैव सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो अगला है वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये आज का टॉपिक लास्ट भी है बेटा, इसी को पढ़ के फिर ख़त्म करते हैं। वाई मेंडल्स सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सबसे बड़ा कारण क्या था? आप सभी को पता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। जो पी प्लांट था उसकी जो लाइफ स्पैन थी बहुत ही कम दिन की होती थी, इस वजह से इन्होंने क्या किया, कई जनरेशन तक स्टडी कर डाली बहुत ही कम समय में। अगर ये किसी एक लाइफ स्पैन जिसकी बहुत ज़्यादा थी किसी एक प्लांट की, उसको सेलेक्ट कर लेते या किसी ह्यूमन बीइंग को सेलेक्ट कर लेते, तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहे तो इनकी कहानी ख़त्म हो जाती। इन्होंने बहुत ही चालाकी से शॉर्ट लाइफ स्पैन का प्लांट चुना और उसकी कई जनरेशन को स्टडी किया। दूसरा क्या था, जो पी था उसकी क्या होती थी, इजी ग्रोथ एंड मिनिमम केयर, बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती थी। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटीज। पहली चीज़, इनको क्या मिल गया, शॉर्ट लाइफ स्पैन मिल गया, उसका रख रखाव बहुत आसान था, उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल थी, ठीक है। अगला, इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे 7, वो आसानी से देखते थे कि फ्लावर का कलर कैसा है, सीड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, पॉड का शेप क्या है, पॉड का कलर, तो ये सारी चीज़ें इनको आसानी से दिख जाती थी। नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ईजी ग्रोथ एंड मिनिमम केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वराइटीज़, ईजिली डिटेक्टेबल करेक्टर्स एंड कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। यानी यहाँ पे हम क्या करा सकते थे, क्रॉस पॉलिनेशन को कराया जा सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल था, किसके साथ, पी प्लांट के साथ, ठीक है। एक और देख लेते हैं, F1 hybrids are fertile। ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी भी हाइब्रिड बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, लेकिन मटर के साथ ऐसा नहीं था, इन्होंने जो हाइब्रिड बनाया वो फर्टाइल था, ठीक है। तो ये इनके लिए क्या हो गया था, एडवांटेज हो गया था। तो ये टोटल इनका था कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया मटर के पौधे को, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो था ही, क्रॉस को इंड्यूस किया जा सकता था, 7 कैरेक्टर्स थे कंट्रास्टिंग,
अलग अलग वेराइटीज़ अवेलेबल थी, लाइफ स्पैन बहुत कम थी, इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते थे बिना किसी ज़्यादा केयर के, ठीक है बेटा। तो और जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो आसानी से दिखते भी थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दोज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।